हे फ्रेंड्स, मेरा नाम नकुल शर्मा है। पेट्सो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए डॉग ब्रीड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बेल्जियम मेलानॉयस। दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो ओरिजिन है वो बेल्जियम से है। ये मेलानॉयस जो है बेल्जियम शीप डॉग की चार अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनमें से एक है बेल्जियम मेलानॉयस। दोस्तों, उस कैटेगरी की बात करें तो पहला जो कैटेगरी में नाम है वो है ग्रोइंडेल। ग्रोइंडेल का जो कोट होता है वो लॉन्ग हेयर्ड होता है और जो उसका कलर होता है वो सॉलिड ब्लैक कलर होता है। सेकंड नंबर पे आता है लॉकेनॉयस। लॉकेनॉयस का जो कोट होता है वो रफ हेयर्ड होता है और कलर जो होता है उसका फॉन कलर होता है, ब्लैक फेस मास्क के साथ होता है। नंबर पे आता है मेलानॉयस। जो मेलानॉयस है उसका जो कोट होता है शॉर्ट हेयर्ड होता है और कलर जो होता है फॉन कलर होता है, ब्लैक फेस मास्क के साथ ही होता है उसका भी। चौथे नंबर की कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है टर्बूरियन। टर्बूरियन का जो कोट होता है लॉन्ग हेयर्ड होता है और कलर जो होता है फॉन कलर विद ब्लैक फेस मास्क। अब बात करते हैं बेल्जियम मेलानॉयस की। बेल्जियम मेलानॉयस को लेट 1800 में ब्रीड किया गया था और इसको एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था। 1959 में मेलानॉयस को ऑफिशियली एज अ ब्रीड रजिस्टर किया गया था AKC ने। AKC यानी अमेरिकन कैनन क्लब ने इन्हें हर्डिंग डॉग ब्रीड के ग्रुप में रखा है। दोस्तों, बेल्जियम मेलानॉयस एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, हार्डवर्किंग, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। इस ब्रीड को लगभग हर काम के लिए इसे ट्रेंड किया जा सकता है, जैसे कि हर्डिंग, ट्रैकिंग, बॉम्ब डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, पुलिस वर्क, एज अ गार्ड डॉग। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि इस डॉग ब्रीड के डॉग ने सबसे बड़े टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन तक को पकड़वाने में हेल्प की थी। US आर्मी जो है इन डॉग ब्रीड्स को बहुत सारे सीक्रेट मिशंस, ऑपरेशंस और रेस्क्यू मिशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब तो इस ब्रीड को इंडियन आर्मी भी यूज़ कर रही है, जैसे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड में इसको यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की अभी तक जान बचाई जा चुकी है। दोस्तों, ये जो ब्रीड है ये बहुत अच्छे फैमिली डॉग भी बन सकते हैं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसको रखने के लिए आपको एक्सपीरियंस डॉग ओनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी डॉग होते हैं और इनको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कम से कम भी 40-50 मिनट की इनको डेली एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। दोस्तों, अगर आप इसको अपने घर लाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और इसको संभालना थोड़ा और डॉग ब्रीड से मुश्किल होता है। इस ब्रीड को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये अदर फैमिली मेम्बर्स और डॉग्स के साथ ईजिली कम्फर्टेबली रह सके। इस ब्रीड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर वेदर को अडेप्ट कर सकती है। ये जो डॉग ब्रीड है ये मीडियम साइज डॉग ब्रीड है और इसमें मेल्स की एवरेज जो हाइट होती है 24-26 इंचेस होती है और फीमेल्स की हाइट 22-24 इंचेस होती है। और अगर इनके वेट की बात करें तो इनका जो वेट होता है 25-30 केजीज होता है, मेल्स का जो एवरेज वेट है, और फीमेल्स का जो एवरेज वेट आता है 20-25 केजीज तक। बात करें लाइफ स्पैन की, लाइफ स्पैन इनका 12 से 14 साल तक का होता है। दोस्तों, अगर आप इस ब्रीड को टाइम नहीं दे सकते तो ये प्लीज़ ये ब्रीड आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसको टाइम और ट्रेनिंग दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। याद रखें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी अपनी वीडियो डालेंगे तो वो आपको सबसे पहले पता चलेगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक the video.